ये थी टाइप। बाद फिर हमने बेटा किया फीचर्स, एनी फाइव फीचर्स। आई हैव गिवन यू नंबर ऑफ फीचर्स, एनी फाइव फीचर। अगर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता ना 5 मार्क्स का, आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि अभी भी आपकी क्लास में ना 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता लग रहा कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। 10-15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अभी भी हेडिंग्स ही करते हैं। आपने बेटा हेडिंग लिखकर उसको एक्सप्लेन करना है। ये हो गए आपके फीचर्स। फीचर्स के बाद फिर है हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आर कंट्री। कंडक्टिंग में बेटा हमने लिखने हैं स्टेप्स। स्टेप्स हम लिखेंगे अनाउंसमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसका एंड हम करेंगे इस पे, रिजल्ट पे। अगर किसी बच्चे ने रिजल्ट नहीं मेंशन किया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, इट मीन्स आपने पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं किया है। 4.5, 4 कैन बी गिवन। और अगर आपने सिर्फ उनके हेडिंग्स लिख दी है, उनको लाइन्स में या अंडरलाइन नहीं किया प्रॉपर, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई दे आर क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन इन द क्लास। मैं उनका नेम नहीं लूंगी वीडियो में, तो प्लीज मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, ठीक है। आप 9th क्लास में, मुझे नहीं अच्छा लगता कि बार बार आपको पॉइंट आउट करूँ। हाँ जी, इसके बाद फिर हमने किया प्रॉब्लम्स। अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स को वर्ड चेंज कर दूं, डीमेरिट्स, विच आर द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस, तो भी सेम ही रहे। प्रॉब्लम्स आ जाओ, डीमेरिट्स आ जाओ, या फिर अगर सपोज हम कहते हैं चैलेंजेस आ जाए, डिसएडवांटेज आ जाए, वीकनेस आ जाए। आपने ये नहीं कहना कि मैम मेरे को तो पता ही नहीं है वीकनेस क्या होती, ठीक है। किसी भी तरह से मीन्स हमने अपनी, वैसे तो हमने अपनी कंट्री की कोई बुराई नहीं करनी, पर कई बार क्या होता है हमें लगता है कि हमारी कंट्री में, जैसे सपोज मैं 9C की बुराई नहीं कर रही, मुझे पता 9C क्लास बहुत अच्छी, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ जी बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो इसका मतलब ये थोड़ी की सारी क्लास ही पूरी। इसी तरह से अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारी कंट्री के इलेक्शन चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इट डजंट मीन कि हम अपनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में ऐसी रिपोर्टिंग या ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। सभी स्टेट्स में नहीं, कहीं कहीं कभी कभी एरियाज में लोग ऐसा करते हैं। सारे लीडर्स करप्ट नहीं है, बट सम ऑफ द लीडर्स दे आर डूइंग, जिसके कारण सबका नाम खराब हो जाता। ऐसे क्लास में भी 2-3 बच्चे हैं, पूरी 9C बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, इनडिसिप्लिन होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लास का नाम आए। इसी तरह से कंट्री में जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस का मतलब है, बच्चे आवाज ना आए बिल्कुल, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में हमने सिर्फ वो बताना है जो हमारी कंट्री में एक्चुअल में हो रहा, ठीक है। कास्ट एंड रिलीजन को यूज किया जा रहा है, मनी का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ठीक है। देन लो वोटिंग परसेंटेज, लोग वोटिंग करने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई किसी भी पार्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, लीडर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। देन कई कई बार क्या हो सकता है, किसी किसी एरिया में बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, गन पॉइंट के बेसिस के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ ये बताना है कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है। हमने वो बताना है जो कहीं कहीं हो रहा है, किसी स्टेट्स में हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली। अब अगर प्रॉब्लम है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हम उसको क्या करें, सॉल्व करें। वो हो गए आपके सजेशंस कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अगर आपको इलेक्शन का टॉपिक करवाया जा रहा है, मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या सजेशन देते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने करवाए वही बताने हैं, इट डजंट मीन। ये आपका अपना ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज है। एक बच्चे का आंसर दूसरे से वेरी करेगा, सेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने सजेशन देने, आपने कॉपी थोड़ी करना है। जिस बच्चे ने, दोनों सपोज दो बच्चे हैं, उन्होंने कॉपी करके सेम आंसर दे दिया, सारे पॉइंट सेम है, इट मीन्स आपने कॉपी किया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जो लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश में आप कोई भी एक्सप्रेशन अपना देते हो, पैराग्राफ, आप वर्ड टू वर्ड कॉपी थोड़ी करते हो। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसकी पकड़ी जाएगी, हाँ जी आंसर शीट से कॉपी की, जैसे ऑनलाइन में पकड़ा जाता है कॉपी पेस्ट, है ना। सेम इसमें भी क्या होगा, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज तभी माने जाएंगे जब अपने अपने सजेशन देंगे। आप सजेशन दे सकते हो मनी को कैसे यूज किया जाए, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल बता दिया कि बेटा आप लिख सकते हो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी कि सपोज 15 लीडर्स है, गवर्नमेंट क्या करे, 15 लीडर्स को हर एक को 10,000 दे दे। वैसे भी तो गवर्नमेंट इतना खर्च करती है इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, बाकी सारी जितनी भी मनी है उनके बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया जाए कि अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक वो अपने अकाउंट्स में से मनी नहीं विड्रॉ करवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा, मनी पे मिसयूज पे क्या लगेगा, रोक लगेगा, चेक लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कोई और भी सजेशन आप दे सकते हो अपनी वे से। साथ ही आप लिख सकते हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो खुद लिमिट लगाई है कि एमपी के इलेक्शन में कोई भी पर्सन 25 लाख से ज्यादा खर्च
नहीं कर सकता, और एमएलए के इलेक्शन में कोई भी पर्सन 10 लाख से ज्यादा इलेक्शन पे खर्च नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो इलेक्शन कमीशन या इनकम टैक्स के जो है उनके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे और उनको आंसर देना पड़ेगा ये मनी कहाँ से आया, वट एवर जो भी उनकी इनकम। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कहीं कहीं रिश्वत चलती है, ब्राइबरी होती है, और ये लीडर जो है जो एक्चुअल जितना मनी खर्च करते, 25 तो कुछ भी नहीं है, करोड़ और स्पेंड, लेकिन उसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो व्हाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी शायद होती होगी। ठीक है, तो कई बार हमारी कंट्री में ऐसा भी देखा जाए। ठीक है, अब कई बार आपने ये भी एग्जांपल देखे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा बूथ कैप्चरिंग हुई है, गन पॉइंट के ऊपर वोटिंग हुई है, वहां पे इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, सिर्फ वोट को कैंसिल कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर जब दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, पूरी प्रॉपर पुलिस सिक्योरिटी के साथ वहां पे इलेक्शन करवाए जाएंगे ताकि जो इलेक्शंस हैं वो ऑनेस्टी से जो है वो लोग। हाँ जी, बैंक नहीं देगा, मतलब एक पर्सन मेरे पास सपोज 30 लाख, मैं अपने बैंक से सिर्फ 25 शो करूंगी कि मैंने इतने लगाए, 5 मेरे बैंक में होंगे, लेकिन मे भी मैंने शायद अंडर द टेबल पता नहीं किस किस को कुछ किया है इलेक्शन में जितवाने के लिए कि मुझे वोट करो, वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो मुझे ही पता है कि मेरे पास ब्लैक मनी थी, वट एवर कहाँ से है, ये तो लीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो रियल करते हैं या नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं जिसके कारण सबका नाम, पार्टी का नाम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी, मैंने आपको बताया कि रेमेडीज में आप अपने सजेशन दे सकते हो, वोटिंग शुड बी कंपल्सरी। अब वोटिंग को कंपल्सरी कैसे कर सकते हो, लाइक आप सजेशन दे सकते हो कि वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाए, कोई भी पर्सन अपना ईवीएम पे वोट करेगा, अपना आधार कार्ड नंबर उस पर टाइप करे और उसका आधार कार्ड नंबर आ गया, इट मीन उसने वोटिंग की है, जिसका आधार कार्ड नहीं आया उसने वोटिंग नहीं की है। अब उन पर्सन को जिन्होंने वोटिंग की उनको कहीं ना कहीं सब्सिडी दे दो, इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में या कोई भी उनका बिल आता है उसमें कुछ परसेंट सब्सिडी दे दो ताकि उनको पता हो कि मैंने वोटिंग की है, मुझे कुछ बेनिफिट है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो बेनिफिट के साथ ही काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी है ना, लोगों को तो चाहिए सब्सिडी चाहिए, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, ऐसा सजेशन हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हम अपनी तरफ से और भी सजेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वोटिंग कंपलसरी करने के लिए सिर्फ इतना कर सकती है कि जो लोग मेडिकली इल, मेडिकली प्रॉब्लम है, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई ताकि उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सपोज एक पर्सन फोन करके अपने सेंटर में कह देता है कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई नहीं है, आने जाने की प्रॉब्लम है, तो कन्विंस विल बी प्रोवाइड, ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। ऑनलाइन वोटिंग भी है, मैंने कल आपको जो पोर्टल भेजा था उसमें ऑनलाइन प्रोविजन भी है। इफ द पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉर एग्जाम्पल जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो लंदन गया है, दुबई है, अमेरिका है, और इन दैट केस वो वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या प्रोविजन देता है, ऑनलाइन वोटिंग भी वो कर सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस की हैं, हम अपने भी सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है प्रॉब्लम्स को, रेमेडीज को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेमेडीज भी कह लो, सजेशंस कह लो, कुछ भी कह लो कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। इसके बाद हाँ जी, नहीं वोटर कार्ड जो है वो शो होगा ना, जैसे आपने गूगल फॉर्म पे पेपर देते थे, अब सपोज कोई पर्सन ईमेल, हाँ जैसे वन लिमिट रिस्पांस नहीं होता, सपोज वन लिमिट रिस्पांस क्या, एक बच्चे ने पेपर दे, सेकंड टाइम होगा तो उसका आएगा ही रिस्पांस ही नहीं, नंबर कुछ मतलब स्ट्रिक्टनेस होती है, ऐसे कोई हर पर्सन नहीं ऐसे कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था जो आपकी बुक में प्रॉपर नहीं है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन ऑफ हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, इसमें आपने मेन याद रखना है कि रूलिंग पार्टी 82 से कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी, उसके अगेंस्ट उनको हराने के लिए किसने ऑपोजिशन पार्टी बनाई, चौधरी देवीलाल, उस पार्टी का नाम क्या रखा, स्लोगन क्या दिया, न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और उन्होंने अपना मेन मैनिफेस्टो, उनके मैनिफेस्टो में मेन इशू क्या था, टू रिमिट द लोन ऑफ फार्मर्स, एंड व्हेन ही वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, हाउ मेनी सीट्स, 60 आउट ऑफ 90, सिर्फ उनकी पार्टी ने, उनकी ही पार्टी ने 60 वोट जीती, 60 वोट का मतलब वोट नहीं सीट्स, 60 सीट्स दे वन एंड दे फॉर्म द पार्टी, एंड चौधरी देवीलाल ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही फुलफिल द प्रोमिसेस, जितने भी प्रोमिसेस थे उन्होंने फुलफिल किए, 5 years तक उन्होंने फार्मर्स को खुश किया, बट दे वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई अर्बन सिटीज पीपल या इंडस्ट्रियलिस्ट या वट एवर जो प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स या गवर्नमेंट स्टाफ है ना,
कहीं ना कहीं मे बी उस पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, और रीजन क्या हुआ, जब नेक्स्ट 5 ईयर के बाद कंट्री में स्टेट में फिर से इलेक्शन हुए, अगेन कांग्रेस पार्टी वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स एंड ये पार्टी फिर से क्या आ गई अपोजिशन। ये मतलब हमारे इंडिया का रियल रिजल्ट है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ये पर्सन जीत रहा है, लोग उसके पीछे जो है वो बहुत मैड है, ठीक है, बहुत जिसमें कहते हैं ना कि हाँ इसके जीतने के पूरे चांसेस बन रहे, कई बार वो पर्सन भी हार जाते हैं। सेम जैसे मैंने बताया था कि हाँ जी चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, लेकिन इंडिया हार जाता है ना मैच में। तो होप, अच्छा दिस इज द रियल रिजल्ट ऑफ इंडियंस, ये हमारे इंडिया की पावर है। और आपको पता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रिच पीपल कम, मिडिल क्लास और पुअर पीपल ज्यादा करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर। रिच लोग वोटिंग कम करते हैं, पुअर पीपल एंड मिडिल, क्योंकि उनको पता है क्या होता है, उनको होता है कि हमारा एक दिन है, हम एक दिन में गवर्नमेंट चेंज करके दिखाएं, क्योंकि उस दिन उनको पता है कि हमारे वोट की वैल्यू है ना, वो एक दिन उनका होता है कि हाँ हम अपनी वोट की वैल्यू अब दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री में रिच पीपल कम एंड पुअर पीपल और मिडिल, जो मिडिल क्लास इन जरूरी है, तो मैं वेट कर लेती हूँ, आई कैन वेट। कर लो कोई बात नहीं, बाकी क्लास भी सुन लो, जरूरी है कुछ, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है ना, तो फिर बाहर जाके डिस्कस करो। शुड आई कंटिन्यू? कैसे दिया था आपने? हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी बुक में सेकेंड जो टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ये मैंने आपको करवा दिया है इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस। आपकी बुक में सिर्फ ये पैराग्राफ में दिया है, पर मैंने इसके पॉइंट्स आपको बना दिए, हमने इम्पोर्टेंस बताने कि इलेक्शंस के क्या क्या, कंट्री में इलेक्शंस का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये है व्हाई डू वी इम्पोर्टेंस, बताई है इनडायरेक्टली आपने, इसमें बताना है कि इलेक्शंस का करवाना क्यों जरूरी होता है। व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, इसमें हमने क्या बताना है, 5 फीचर्स गुरपाल, व्हाट मेक्स आर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री के 5 इलेक्शंस के फीचर्स बताने हैं। 1 person 1 vote, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको पता है हमारी कंट्री में UAF हमें कौन से ईयर में मिला, 1950, व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड, 26 जनवरी 1950 को जब हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमारी कंट्री रिपब्लिक बनी, एंड इन दिस ईयर UAF वाज ग्रांटेड। ये तो सब बच्चों को पता ही है कि UAF क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट, एडल्ट का मतलब अबव द एज ऑफ 18, फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। ये हमारी कंट्री को क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक। सेकंड, फेयर चांस टू ऑल का मतलब होता है हर एक को जीतने का, यानी कि चाहे कॉमन पीपल है चाहे रिच पीपल है, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे कैन यूज देयर राइट टू वोट, हर एक के पास फेयर चांस है जीतने का और इलेक्शंस का। थर्ड, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन सबसे इंडिपेंडेंट पावरफुल माना जाता है, क्योंकि वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द इलेक्शंस। 1 person 1 vote 1 value का मतलब होता है हमारी कंट्री में जब भी कोई पर्सन वोट करता है उसकी सिंगल वैल्यू मानी जाती है, फिजी की तरह नहीं है। एंड रिलीजन, अगर रिलीजन की बात करें तो हमारी कंट्री में सेपरेट रिलीजन एरियाज नहीं है, ज्वाइंट एरिया, ज्वाइंट एरिया का मतलब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड नहीं किया। तो ये सारे फीचर्स हमारी कंट्री के इलेक्शंस को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक। दिस मेक्स आवर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। कुछ भी आए तो आपने 5 फीचर्स बताने हैं अपनी कंट्री के, जिससे आपको ये पता लगता है कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, ये भी बता सकते हो फ्री एंड फेयर। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि आप जो भी किसी को वोट करते हो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि हाँ जी आपने किसको वोट किया, ये हमारा एक पावर है, हमारे पास ये राइट है। नेक्स्ट आ जाओ, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इट इज ऑन पेज नंबर 59। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, ये बच्चे दो तरह से आंसर इसका दे सकते हो। एक तो आप बता सकते हो यस, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, होना चाहिए, कॉम्पिटिशन होगा तो ही लोग जो हैं वो आपके सामने कुछ बेटर करेंगे। सपोज
हाँ जी बाय यू हैव गॉट दिस कॉम्पिट हाँ कॉम्पिटिशन अभी मैं कॉम्पिटिशन की बात कर रही थी. इफ दे वन द कॉम्पिटिशन दे हैव गॉट रिवॉर्ड है ना. सेम कीप क्वाइट फिफ्टी नाइन सेम इज विद द कंट्री. अगर हमारी कंट्री में आपके सामने तीन चार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आपके सामने आ रहे हैं. मॉर्निंग में कोई और लीडर आएगा, इवनिंग के टाइम में कोई और लीडर आएगा, नेक्स्ट में कोई और लीडर आएगा. आपके सामने तीन चार पार्टीज के मैनिफेस्टो हैं, देन आपके पास चॉइस होगी कि हाँ जी अगर मैं इस पार्टी को वोट डालता हूं तो मैं क्या क्या हमें ये पार्टी दे सकती है. स्टैंड अप स्टैंड अप. बाहर आ जाओ. कुछ नहीं किया फिर बैठ जाओ. कुछ नहीं किया बैठ जाओ. अगर कुछ किया तो खड़े रहो, नहीं किया तो बैठ जाओ. आप अपने कॉन्शियस को अपने अपनी कॉन्शियस से पूछना कि अगर कुछ गलत किया है. शायद हमारे लीडर्स भी ऐसे हो जाए ना तो हम प्रॉब्लम डिस्कस ही ना करें अपनी गलती है ना. वेरी गुड आई अप्रिशिएट दिस आइडिया. हाँ जी इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नंबर वन. इसमें आप क्या बताओगे. यस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन गिव्स चॉइस टू द वोटर्स. जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम होगा तो लोगों के पास ओपन चॉइस होगी. सेकेंड मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड ओपन चॉइस मोर ओपन चॉइस टू द वोटर्स. मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया इंडिया में बहुत सी पार्टीज हैं. मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स ओपन चॉइस टू द वोटर्स. बाय दिस लीडर्स will perform their duties well to satisfy the needs of people. जितना competition ज्यादा होगा उतना जो ruling party है majority party है वो लोगों को ज्यादा satisfy करेगी, उनके needs को ज्यादा satisfy करेगी. क्योंकि उनको पता है कि पांच साल के बाद हम अगर repeat हमें करेंगे लोग इसलिए करेंगे कि अगर हम उनके लिए कुछ करके दिखाएंगे. Leaders will fulfill the needs of their people. They will try to satisfy the problems. सपोज अगर एक ही पार्टी हो तो क्या होगा. कॉम्पिटिशन ही है तो क्या होगा. हाँ हाँ काइंड ऑफ मोनार्की जैसे हिटलर के टाइम पीरियड था. लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है ना. लोग अपोज करेंगे और उनको पता है कि ना उनके पास कोई चॉइस है. एक ही पार्टी है एक ही लीडर. दे विल कीप ऑन शिफ्टिंग. पार्टी सेम रहेगी तो लोगों को हाँ लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. चाइना जैसा हो सकता है. इफ वन पार्टी विल बी देयर इफ ओनली वन पार्टी विल बी देयर Leaders will not be answerable. अगर एक ही पार्टी होगी तो लीडर्स विल नॉट बी answerable. उनको पता कि उनको कोई चेंज ही नहीं कर सकता. नेक्स्ट फाइव ईयर्स में उनकी पार्टी ने फिर आ जाना. इफ वन पार्टी विल बी देयर नो कॉम्पिटिशन विल बी देयर देन पीपल और लीडर्स विल नॉट बी answerable. लीडर्स विल नॉट बी लीडर्स विल नॉट बी answerable. वेरी गुड बेटा फॉर योर ऑनेस्टी. हाँ जी ठीक है. तो ये बिल्कुल शॉर्ट में आपने बताना है. लेकिन हमने मेन बतानी है डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. डी ये सेम वही आ जाना. इलेक्शन की प्रॉब्लम ही आ जानी है. डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. सबसे पहले तो मेन है कि लोकेलिटी बढ़ जाती है. आप खुद सोचो आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो जिस कॉलोनी में रह रहे हो. सम पीपल दे विल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी सम विल सपोर्ट बीजेपी एंड सम विल सपोर्ट अकाली दल. लोकेलिटी विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी. कई बार आपके ही एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ जी ये ग्रुप कांग्रेस पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और उनकी ग्रुपिज्म लोकेलिटी में लोग ग्रुप बना लेते हैं. और जितना ग्रुप ज्यादा बनाएंगे उतनी पार्टी पॉलिटिक्स
ज्यादा होगी, जितनी पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा होगी उतना ही लोकेलिटी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। फर्स्ट हेडिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन द लोकेलिटी, पार्टी पॉलिटिक्स इन द लोकेलिटी हेडिंग बनाकर सिर्फ आपने एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। ड्यू टू मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, जितनी ज्यादा पार्टीज ज्यादा होंगी, ड्यू टू मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पार्टी पॉलिटिक्स इन लोकेलिटी, ड्यू टू मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन लोकेलिटीज हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पार्टी ग्रुप्स, ड्यू टू मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन डिवाइडेड, ड्यू टू मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन लोकेलिटीज हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पार्टी ग्रुप, पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाता है। बेटा आपके एरिया में कुछ है ऐसा कभी देखा है आपने? होता है, एक ही लोकेलिटी में एक ही कॉलोनी में पार्टी वाइज लोग अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, होता है ना? और जितना ऐसा होगा उतना लोकेलिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम तो यूनिटी चाहते हैं। ये क्या हो गई, ये यूनिटी हो गई या डिसयूनिटी? डिसयूनिटी। इट विल प्रमोट, यू कैन राइट, इट विल प्रमोट डिसयूनिटी अमंग लोकल पीपल, इट विल प्रमोट डिसयूनिटी अमंग लोकल पीपल। ये लोकल पीपल जो होते हैं उनमें ये यूनिटी नहीं बल्कि डिसयूनिटी लेकर आएगा, ये कंसेप्ट। सेकंड, दिस विल प्रमोट डिसयूनिटी अमंग लोकल पीपल। सेकंड आ जाओ, एलिगेशंस, एलिगेशन एंड रॉन्ग चार्जेस। रॉन्ग चार्जेस का मतलब होता है गलत चार्ज लगाना या एलिगेशन लगाना। जितना पॉलिटिकल कंपटीशन ज्यादा होगा, चांसेस ऑफ एलिगेशंस एंड रॉन्ग चार्जेस विल बी मोर। जितना पॉलिटिकल कंपटीशन ज्यादा होगा उतना पार्टीज एक दूसरे के ऊपर रॉन्ग चार्जेस ज्यादा लगाती हैं, एलिगेशन ज्यादा लगाती हैं, बजाय कि अपने बारे में लोगों को बताएं। मोर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन विल लीड टू एलिगेशंस एंड रॉन्ग चार्जेस ऑन ईच अदर। जीतने के लिए वो हर तरह से कोशिश करते हैं, कई बार दूसरी पार्टी के ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस भी लगाते हैं। थर्ड, डर्टी ट्रिक्स, जैसे ऑनलाइन इलेक्शंस में सम स्टूडेंट्स प्ले डर्टी ट्रिक्स, आपको पता ही है। सेम ड्यूरिंग इलेक्शंस सम पॉलिटिकल लीडर्स दे प्लेड डर्टी ट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। कईयों ने किए भी हैं, कई करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस टू विन मैनी लीडर्स दे प्ले डर्टी ट्रिक्स इन द पॉलिटिक्स। इसीलिए पॉलिटिक्स जो है वो एक ऑनेस्ट पर्सन की गेम नहीं, बल्कि लोग ये मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कौन कर सकते हैं, रिच पीपल और करप्ट। इसलिए बहुत ऐसी कम फैमिलीज हैं जो अपने लड़कियों को पॉलिटिक्स में आने देना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिक्स में आकर गर्ल्स जो है वो नहीं सेट हो सकती। बहुत ऐसी गर्ल्स कम हैं जो पॉलिटिक्स में आती हैं, ठीक है। अब डर्टी ट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, ब्राइबरी भी हो सकता है, जीतने के लिए अपने पीछे लोगों को किसी भी तरह से जो है वो मनी दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं उनको, या चांसेस उनको ये दे सकते हैं, प्रोमिसेस कर सकते हैं कि अगर आप हमें वोट डालोगे तो जीत जाने के बाद हम आपकी फेवर में पॉलिसीज बनाएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास बहुत मनी है, वो पार्टीज को पैसा दे सकते हैं, फंड में पैसा दे सकते हैं, और उनको ये कह सकते हैं कि अगर आप जीत जाओगे तो हमारी फेवर में पॉलिसीज बनाओ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो ऐसी डर्टी ट्रिक्स जो है वो जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा उतनी ये ट्रिक्स ज्यादा होंगी अमंग द पार्टी लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज गुड पीपल डू नॉट वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, या ऑनेस्ट पीपल। हाँ, हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो ऑनेस्ट पीपल हैं दे डू नॉट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ऑनेस्ट पीपल डू नॉट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस बिकॉज दे थिंक दैट दे आर नॉट एबल फॉर दिस प्रोफेशन। ऑनेस्ट, अपने आप बना लो पॉइंट, ये कोई थोड़ी जरूरी मैंने बोला। ऑनेस्ट पीपल डू नॉट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट कैपेबल। अब जैसे हर कोई पर्सन एक्टर नहीं बन सकता, कोई हर कोई पर्सन सिंगर नहीं बन सकता, म्यूजिशियन नहीं बन सकता, ऐसे ही हर पर्सन पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। ऑनेस्ट पीपल जो होते हैं उनको ये होता है कि शायद वो इस प्रोफेशन के लिए सुटेबल नहीं है,
तो कई बार प्रोफेशन आने के बाद छोड़ भी देते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बाद में वो छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स उनके बस का काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर ऑन द पार्टी टू विन इलेक्शंस। जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा उतना जीतने का प्रेशर ज्यादा होगा, और जीतने का प्रेशर ज्यादा रूलिंग पार्टी पे होगा या ऑपोजिशन पे होगा? रूलिंग पे होगा। एट प्रेजेंट अगर बीजेपी है, पिछली बार भी बीजेपी थी, नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे तो प्रेशर रूलिंग पार्टी पे ज्यादा होगा क्योंकि उनको ये है कि हमने 5 ईयर्स के लिए इतना लोगों के लिए किया है, अगर हार गए तो हमारी क्या होगी, इंसल्ट होगी। तो उनको ये लगता है उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऑपोजिशन को तो पता ही उन्होंने अपोज करना ही है। ठीक है, सो प्रेशर ऑन द रूलिंग पार्टी टू विन द इलेक्शन विल बी मोर, जैसे मर्जी लिख लो इसको, मोर प्रेशर विल बी ऑन रूलिंग पार्टी टू विन द इलेक्शंस। और जितना प्रेशर ज्यादा होगा वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या होगा, जिससे जीतेंगे। अब ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी। कई बार आप किसी एरिया में देखते हो कि कुछ ऐसा हुआ तो लोग पता क्या कहते हैं, ये पार्टी पॉलिटिक्स है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको इतना रेज किए जाने की जरूरत नहीं भी होती है लेकिन उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ऐसे में फिर क्या होता है, वो जो लड़ाई है वो किसी ग्रुप में नहीं बल्कि किसकी हो जाती है, पार्टीज की हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में है पॉलिटिकल कंपटीशन के ड्रॉबैक्स। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतना, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर है, एक लीडर उसको आगे कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, तो वोटर क्या कहता है, मेरे पास वोट है। मतलब 5 साल के बाद अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आनी है, लोगों के हाथ में। इधर देखो एक बनाया हुआ है, एक लीडर है उसके पास बैग है और उस बैग में प्रॉमिसेस, बैग में क्या है, प्रॉमिसेस हैं, और कुछ प्रॉमिसेस जो है नीचे गिरे हुए हैं, और इधर देखो वोटर की क्या हालत है। अल्टीमेटली जीत जाने के बाद वोटर्स ऐसे हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होती।